अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम करती हूं आप सबका अपने चैनल पे मेकअप रिव्यू बाय सादिया हसनैन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, मैं लेके आई हूं अपनी रिंग लाइट का रिव्यू कि मेरी रिंग लाइट कैसी है, अच्छी है या नहीं है, आप लोगों को लेनी चाहिए इस तरह का स्टैंड, इस तरह की रिंग लाइट या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टैंड है, मैंने आप लोगों को बताया था इसका जो अनबॉक्सिंग वो पिछली वीडियो में मैंने डाली थी, आप देख सकते हैं कि किस यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एल्फी लगाई हुई है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये डैमेज हो गया था, टूट गया था खुद ब खुद ही रिंग लाइट के वजन से। रिंग लाइट के लिए ये इस तरह का स्टैंड बिल्कुल भी नहीं होता। जो रिंग लाइट के लिए स्टैंड होता है वो लोहे का होता है या फिर वो बहुत मजबूत होता है। के स्टैंड बिल्कुल भी रिंग लाइट के लिए नहीं होते। आप लोग इस रिंग लाइट के लिए जो स्टैंड है वो दूसरा बाय करें। और ये जो रिंग लाइट का स्टैंड और रिंग लाइट है वो मेरे अबू लेकर आए थे, तो इसीलिए मुझे नहीं पता था कि ये स्टैंड है वो रिंग लाइट के लिए नहीं है, लेकिन अब जो है मुझे पता लग गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल भी नहीं सही है, टूट चुका था यहाँ से। और यहाँ पे देखिए, ये तो कह रहा है कि यार पहले मेरा तारुफ करा लो कि मैं कितना घटिया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद ही बाहर है, यहाँ पे खुद ब खुद ही बाहर आ चुका है। वो कहता है कि यार पहले मेरा करा लो और फिर बाद में आप किसी और का तारुफ कराना। आप देख सकते हैं, और ये जो लाइट है ये बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं जरा भी काम की नहीं, बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, खुद ब खुद ही टूटी है। आप देख सकते हैं एक एक जो इसका पैर है वो कहता है मुझे बाहर निकालो, मुझे दिखाओ कि मैं किस कंपनी का हूँ, किस तरह। ये देखिए सारी इसकी जो मैं क्या कहूँ, लाते इसकी टूटी हुई है, बिल्कुल भी ये काम का नहीं था, बेकार है बिल्कुल ये। और इसकी जो ये दो लाते रह गई, कैसे खड़ा होगा भला? आप देख सकते हैं कैसे हो सकता है खड़ा, ये ऐसे हो सकता है खड़ा बेचारे की लात ही टूट गई। मैं इसको बड़ा भी नहीं कर सकती, छोटा भी नहीं कर सकती, जितना है उतना ही रहेगा। और आप देख सकते हैं इसकी लेंथ जो है वो वैसे इतनी है, इतनी इसकी लेंथ है। पता नहीं कैमरे में शो हो रहा है कि नहीं, इसकी जो लेंथ है वो इतनी है। मेरा ख्याल है 7 फीट है इसकी लेंथ, या 7 फीट से कम होगी, पता नहीं। बहरहाल इतनी इसकी लेंथ है, यहाँ से ये क्लोज हो जाते हैं इसकी, तो ये भी काम नहीं कर रहे यार। ये देखिए इसके जो ये हैं ये भी काम नहीं कर रहे कि ये इसको कवर कर सके। ये तो यूं 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 बस गोल गोल घूम ही जा रहे हैं जैसे झूले लेने आए हो, ये बिल्कुल बेकार है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं क्या इसका करूँ। और इसका जो ये साइड है यहाँ से बस थोड़ा सा ये बड़ा होता है, जिससे मैं थोड़ी सी वीडियो एडिट कर लेती बना लेती हूँ। ये बस इसका एक काम करता है, और अगर मुझे इसको उससे ज़्यादा बड़ा करना होता है बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखें टिकता तो ये बिल्कुल भी नहीं है, जब तक इसकी जो लात है ना ये इसके साथ ना जुड़ गए, ये लात इस तरह इसके अंदर जाती है, ये फिर इसके अंदर जाता है, और फिर कहीं ये जाके जो है ना इस तरह जुड़ता है, और फिर ये छोटा सा स्टैंड बनता है। और ये भी कुछ इसका सही है, अगर ये भी एल्फी से ना जुड़ता तो मैं क्या करती इस स्टैंड का। मेरे लिए तो ये बिल्कुल बेकार स्टैंड है, और यहाँ से ये इस तरह टाइट होता है ताकि ये दोबारा ऊपर को ना जाए। ठीक है, अगर स्टैंड ने अपना तारुफ खुद ही दे दिया है कि मैं किस तरह का हूँ, खुद ही बाहर आकर उसने बताया कि यार मैं बहुत ज़्यादा घटिया कंपनी का हूँ, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं बनाया। तो अब मैं बात कर लेती हूँ रिंग लाइट की। रिंग लाइट आप देख सकते हैं देखने में तो बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे प्रोफेशनल रिंग लाइट होती है वैसी है, पर काम जो है वो इसका बिल्कुल भी जैसा स्टैंड का काम है वैसा ही रिंग लाइट का काम है। रिंग लाइट के लिए जब भी आप रिंग लाइट लेने जाएं तो आप जो है वो शॉपकीपर को बोलें कि मुझे रिंग लाइट के साथ होल्डर भी दें, जो इसके साथ अटैच होता है वो होल्डर आप उसके साथ लेकर आएं, ताकि जो है आपकी जो रिंग लाइट है वो कभी भी ख़राब ना हो, ज़्यादा देर तक चल पाए। जो मेरे अबू लेकर आए थे वो उसके साथ, उन्होंने अबू ने मांगा था उनसे जो है इसका होल्डर, पर उन्होंने बोला नहीं ये जो घर में होल्डर होती हैं उन्हीं के साथ ये लग जाता है, मोबाइल के चार्जर के साथ, मतलब चार्जर के साथ जो होल्डर होता है उसके साथ ये अटैच हो जाता है। तो वो ऐसे ही ले आए थे, तो मैंने उसको होल्डर के साथ, मैंने जो है ये फर्स्ट टाइम यूज़ की थी, मुझे इससे पहले नहीं पता था ना मैंने इसका कोई रिव्यू वैसे देखा था कि इसके साथ कोई अलग होल्डर होता है या नहीं, मैंने घर वाले होल्डर के साथ थी दुकानदार ने बताया था मैंने वैसा ही करके देखा और अपनी फनकारी मारी, मैंने अपना जो होल्डर था वो लगाया इसके साथ। और वो लगाने के बाद जो यार गजब हुआ जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये कुछ दिन तक तो चलता रहा, बेचारे ने कहा कि यार मैं क्या करूँ, मैं चल जाता हूँ, इसने मुझे अगर लगा ही दिया किसी के साथ, तो ये चलती रही कुछ दिन तक। और उसके बाद जो है इसकी तार जो है वो डैमेज हो गई। इसके बाद हमने इसके डॉक्टर्स को चेक करवाया, तो उन्होंने बोला कि यार इसकी जो बाजू है ना इतनी इतनी ये काटनी पड़ेगी। हमें फिर ये अफसोस हुआ कि यार ये तो बाजू काटनी पड़ेगी, अब क्या किया जाए। फिर हम लोगों ने इसकी इतनी इतनी बाजू काट दी और उसको नया हाथ दे दिया। देखिए नया हाथ है बिल्कुल इसको, नया हाथ इसको दिया, लेकिन ये नया हाथ से भी बिल्कुल सही काम नहीं कर पा रहा है। और क्या कहते हैं इसकी जो रोशनी है वो इतनी तो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बस ठीक ठाक है। लाइट ऑफ करके मैंने इसको इस्तेमाल किया तब भी ठीक ठाक है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो रिंग लाइट है यहाँ से बाहर है और जो दूसरी रिंग लाइट होती है वो थोड़ी सी अंदर होती है, प्लेन होती है। तो पता नहीं अभी रिंग लाइट अच्छी है या नहीं है, कोई बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसकी जो लाइट है वो नहीं सही चलती। और फिर बाजू जोड़ने के बाद इसे मैंने दोबारा नॉर्मल क्वालिटी का जो है वो होल्डर लगाया, ताकि जिसकी करंट है वो इसका अगर करंट ज़्यादा या कम है तो वो जो कम वोल्टेज वाला होल्डर है वो इसको अफोर्ड कर सके, पर इसने उसको भी नहीं किया। और उसके बाद इसने पहले तो ये जलता था, उसके बाद ही बंद हो गया बिल्कुल, इसकी जो है वो डेथ ही हो गई थी एक तरफ की। और फिर जब ये जला तो उसके बाद इसने बंद और ऑन होना शुरू कर दिया, मतलब कि बिल्कुल ख़राब हो गई।
तो मेरी तरफ से ये रिंग लाइट और स्टैंड जो है वो बिल्कुल फारिक है। ये रिंग लाइट और स्टैंड जो है वो बिल्कुल फारिक है आप लोगों को इस तरह की। ये जो बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप फोकस करें अगर मेरा कैमरा, तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ से बाहर को है। अगर ये बिल्कुल अंदर हो, मेरा ख्याल है फिर शायद इसकी रोशनी जो है वो अच्छी वाली रिंग लाइट की होगी। पता नहीं अब ये रिंग लाइट अच्छी वाली है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रिंग लाइट अच्छी वाली है या नहीं है। तो मेरे साथ तो इसने शॉपकीपर को कहना कि मुझे रिंग लाइट के साथ एक होल्डर भी दे और रिंग लाइट और जो स्टैंड है मोबाइल के लिए ये वाला स्टैंड लेना अगर आप लेना चाहते हैं कोई, मतलब ये इतना सस्ता भी नहीं है वैसे तो मेरे तरफ से ना ही है, अगर लेना है तो ले सकते हैं वैसे, पर आप देख सकते हैं उसकी लाद कैसे बाहर आई है। तो मेरे तरफ से वैसे ये नॉट रिकमेंड है, ये भी नॉट रिकमेंड है, अगर ये लें तो आप इसका होल्डर साथ लें ताकि इसका बाजू सलामत रहे इसके साथ। और मेरा ये प्राइस मैं इसकी बताती जहाँ प्राइस इसकी थी तकरीबन 1700, इन दोनों चीज़ों की जो है प्राइस 1700 थी, वो 2000 बोल रहे थे तो 1700 दी उन्होंने, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मेरे ख्याल से है क्योंकि ये जो स्टैंड है ये 400-500 के करीब यहाँ से मिल जाता है। तो पर ये हमने खुद जा के गुजरावाला से लिया था, ये 1700 में हमें पड़ी है। रिंग लाइट मेरा ख्याल है महंगी है या ये महंगा है, अल्लाह जाने क्या महंगा है, पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी दोनों चीज़ें। तो प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और मुझे अब दीजिए इजाज़त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा जो रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मेरे रिंग लाइट की तारीफ भी पसंद आएगी। याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा और क्या कहते हैं यहाँ प्यार होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे क्लिक करके मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उसको प्रेस करने से मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।